আপনারা দেখছেন 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি, সর্বদা সবার পাশে সবার মাঝে। কাল যে ডিপ ডিপ্রেশন আমরা ইস্ট সেন্ট্রাল বে অফ বেঙ্গল মে থা, ও আজ সুবহে সাইক্লোন মে রূপ নিয়া হ্যায়। তো সুবহে 5:30 বাজে আর অভি 11:30 বাজে সুবহে ইসকা লোকেশন আমরা ইস্ট সেন্ট্রাল বে অফ বেঙ্গল পর হ্যায়। ইসকা নাম হ্যায় দানা। দানা সাইক্লোন কা লোকেশন অভি আমরা সাগর দ্বীপ সে সাগর দ্বীপ সে 570 কিলোমিটার দূর পে হ্যায়। উড়িষ্যা কা পারাদ্বীপ সে 490 কিলোমিটার দূর পে হ্যায় আর আমরা ধামারা সে 520 কিলোমিটার দূর পে হ্যায়। এ ভি উড়িষ্যা মে হ্যায় ধামারা। তো ইসকা অভি ফোরকাস্ট জো হ্যায় এ নর্থ ওয়েস্টওয়ার্ড মুভ করেগা আর কাল সুবহ তক সিভিয়ার সাইক্লোন মে ইন্টেন্সিফিকেশন হোনে কা চান্সেস হ্যায়। উসকা বাদ ইসকা নর্থ ওয়েস্টওয়ার্ড মুভমেন্ট হতে হুয়ে আমারা নর্থ উড়িষ্যা ওয়েস্ট বেঙ্গল কোস্ট ক্রস করনে কা চান্সেস হ্যায় কাল 24 তারিখ শাম সে 25 তারিখ সুবহ তক। ইসকা আমারা কোস্ট লাইন ক্রস করনে কা চান্সেস হ্যায়। এ কোস্ট লাইন পুরী সে আমারা সাগর দ্বীপ কা বীচ মে স্থান পর হ্যায়। জো বোলা স্থান স্পেসিফাই কিয়া গিয়া হ্যায় ইসকা আমারা ভিতরকণিকা উড়িষ্যা মে জো আমারা ফরেস্ট এরিয়া হ্যায় ভিতরকণিকা আর ধামারা ইসকা ক্লোজ এরিয়া মে ইসকা নিয়ার বাই এরিয়া মে হোনে কা চান্সেস হ্যায় উড়িষ্যা ওয়েস্ট বেঙ্গল কোস্ট কা অন্দর। আর ক্রস করনে কা টাইম মে 100 to 110 কিলোমিটার পর আওয়ার हमारा पता ये का होने का चांसेस विंड होने का चांसेस है। गास्टिंग में 120 किलोमीटर तक जा सकता है। इसका प्रभाव में हमारा बंगाल में भारी से अति भारी बारिश का पॉसिबिलिटी है। हैवी टू वेरी हैवी रेन का पॉसिबिलिटी है। उसका साथ एक्सट्रीमली हैवी बारिश का भी पॉसिबिलिटी है। मेनली जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें ईस्ट वेस्ट मिदनापुर झारग्राम साउथ 24 परगना इसमें हमारा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी एक दो जगह में हो सकता है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल फिर प्रोसेस में होने का चांसेस है। इसका साथ साथ नॉर्थ 24 परगना कोलकाता हावड़ा हुगली बांकुड़ा पुरुलिया इस सब जिला में भी भारी वेरी हैवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है। बाकी जिला में एक दो जगह करके हैवी रेन का पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी हमारा ये जो है बोला है हमने 24th and 25th का ये दो दिन में होने का चांसेस है। और 20 था आज हमारा ऑलरेडी कुछ कुछ जगह में हल्का से मध्यम बारिश हो रहा है। इसका साथ साथ हैवी रेन कल भी पॉसिबिलिटी है नॉर्थ साउथ 24 परगना ईस्ट वेस्ट मिदनापुर में। तेज़ हवा का जो हमारा वार्निंग है ईस्ट मिदनापुर में सबसे तेज़ हवा होने का चांसेस है। इसमें 100 to 110 गास्टिंग में 120 तक जा सकता है। और उसका बाद एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वेस्ट मिदनापुर और साउथ 24 परगना का कोस्टल बेल्ट अलोंग द कोस्ट लाइन जो हमारा सुंदरबन और सागर आइलैंड एरिया होता है इसमें 80 to 90 किलोमीटर पर तक हवा का गति हो सकता है। और इसका बाद हमारा साउथ 24 परगना रेस्ट ऑफ द एरिया में 70 to 80 और बाकी जिला जैसे हमारा कोलकाता हावड़ा हुगली नॉर्थ 24 परगना बांकुड़ा ये सब जिला में भी तेज हवा का 60 to 70 किलोमीटर पर आवर गास्टिंग में 80 तक जा सकते हैं हवा का गति हो सकता है। स्टॉर्म सर्ज का वार्निंग भी जारी किया है। स्टॉर्म सर्ज हमारा ईस्ट मिदनापुर का कोस्ट लाइन में 1 to 2 meters तक हो सकता है और साउथ 24 परगना का सागर आइलैंड उस एरिया में हमारा 0.5 to 1 meter तक हो सकता है। ये है हमारा इसका रिगार्डिंग हमारा बंगाल के लिए वार्निंग। अभी हमारा फिशरमैन को 25 तक बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना किया है और उसका साथ साथ पूरा एक्टिविटी की भी बंद रखने के लिए बोला गया है। पोर्ट वार्निंग ग्रेट डेंजर 9 जारी किया गया है हमारा हल्दिया कोलकाता पोर्ट्स में हुगली पोर्ट्स में। सर कोलकाता में क्या स्थिति रहेगा? कोलकाता में आपका हल्का से मध्यम बारिश तो रहेगा ही। अभी हमारा जो आउटर बैंड है उसमें से ऑलरेडी हो रहा है कुछ कुछ एरिया में और इसका साथ साथ भारी बरसात का भी चांसेस है।
मेनली कल 24th and 25th में कोलकाता में भारी से अति भारी बरसात का चांसेस है, तेज हवा का भी चांसेस है, 60 to 70 गस्टिंग में इतने जा सकता है। ये आपका 24th इवनिंग से लेकर 25th मॉर्निंग का अंदर में। आज ए पर्यंत संगे रखुन 24 घंटा इंडिया टीवी, देखते थाकुन सब जिलार सब खबर, सबार आगे 24 घंटा इंडिया टीवी पर्दा। नमस्कार।